हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा कॉइन जिसके बारे में पहले अपडेट दे चुका हूँ और क्यों मुझे लगता है कि हम लोगों को, हमारी कम्युनिटी को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम पे इसकी एक कॉल चल रही है इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस कॉइन के पोटेंशियल के बारे में आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर आपको लगेगा कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, आप लोग अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हैं। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ कुछ कॉइन सजेस्ट करता आ रहा हूँ ऐसे ही उन कॉइन्स में से ये एक कॉइन है। इसके ऊपर कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई मैंने, बट काफ़ी चर्चा में है तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आप लोगों को इसके बारे में बताया जाए। तो वीडियो मिस मत करना, सारी अपडेट्स आपको पता चलेंगी, तभी आप समझ पाओगे कि कैसे किसी कॉइन के पोटेंशियल को पहचानना है आपको, जिससे आप आगे खुद भी रिसर्च करके और ढूंढ के कॉइन, हो सकता है मुझे ही बता देना है और मैं अपनी वीडियो में बता दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और कॉइन का नाम है एवॉक्स। अब एवॉक्स यानी एवलॉन्च जो इनकी ब्लॉकचेन है, ये एवलॉन्च का जो नेटिव कॉइन है वो है एवॉक्स। इसके बारे में ये जो मैंने आप लोग को पैरेलल चलन यहाँ पर दिख रहा है, ये रिसेंटली अपने वीडियो में मैंने बताया, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। अब हम इसके जो है टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है वो बात करेंगे। इस किसी को अगर चार्ट के एनालिसिस देखना, आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप लोग जाके एनालिसिस देख सकते हो और मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ कि ये कितना फंडामेंटली स्ट्रांग कॉइन है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को इस टाइम पर, यानी आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पर ले जाके, अगर आप यहाँ पर लिखोगे एवॉक्स, तो 1400 ट्वीट एक घंटे में हो रहे हैं इसके। अभी आप समझ सकते हो कि सोशल मीडिया पे कितनी हाइप बनी हुई है, और मैंने कुछ टूल्स भी आप लोगों को बताए हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि कौन सा कॉइन सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्यों है, उसकी क्या वजह है। तो वो सब चीज़ें आप लोगों यहाँ पर मतलब इस सिर्फ एक घंटे में किसी के बारे में अगर 1400 ट्वीट हो रहे हैं ट्विटर पर, तो एक बड़ी बात है। अब यहाँ पर कुछ कुछ न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये क्यों आने वाले टाइम पर एक ज़बरदस्त कॉइन होने वाला है और क्या उसके रीज़न है। सबसे पहले तो इनका जो है एनएफटी अपग्रेड आने वाला है, और अब ये एनएफटीज के लिए, जैसे हमने देखा इथेरियम की ब्लॉकचेन पे हम ज़्यादातर एनएफटी मिंट हो रही है, मगर वहाँ पर गैस फीस की प्रॉब्लम है, स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, और इतनी ज़्यादा फीस लगती है हाई, और स्पीड भी स्लो है। तो अब उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए वैसे मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, जैसे कि सोलाना हो गया, कार्डान हो गया, ये सब भी इसी रेस में आगे चल रहे हैं। सोलाना तो ऑलरेडी आ चुका है, कार्डानो का अभी चल रहा है प्लान, बट उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ रेगुलेशन की, लीगलाइजेशन की प्रॉब्लम चल रही है, उस वजह से थोड़ा पीछे। मगर एवॉक्स एवलॉन्च जो है इस टाइम पर सबसे ज़्यादा हाई स्पीड ट्रांजेक्शन जो कर रहा है अभी इस टाइम पर एवलॉन्च है, और इनकी जो एनएफटी की ब्लॉकचेन की जो अपग्रेड आ रही है, इसमें जो एक ग्रुप है ब्लॉकचेन डेवलपर्स का, उन्होंने क्या काम करा है कि उन वो एनएफटी मिंट करते हैं, मगर बहुत टाइम से, पिछले 5 सालों से इथीरियम पे बिल्ड कर रहे हैं वो एनएफटी, मगर उन्होंने इसमें बताया कि अब जो है उन्होंने एनएफटी की मतलब इथीरियम की जगह एनएफटी को मिंट करने के लिए और हमारी एवलेंच यानी एवेक्स का यूज़ करेंगे, एवलेंच जो ब्लॉकचेन है, और उसमें इन्होंने कुछ कुछ खास बातें बताई हैं जो मेन चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। Layer 2 सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी कि आप बिल्कुल एवलेंस की जो मेन चेन है उस पर नहीं होगा ये काम, एक Layer 2 सॉल्यूशन बनाया जाएगा, और उसकी वजह से उनके जो 3 फैक्टर होंगे वो उन्होंने ध्यान में रखे हैं, एक स्पीड, अफोर्डेबिलिटी एंड ईज ऑफ यूटिलिटी। स्पीड की बात करें तो स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, और नेटवर्क फीस इतनी कम होगी, ये बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, यानी कोई फीस देनी ही नहीं पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी तो इतनी कम देनी पड़ेगी, आप उसको यही मानोगे कि मैंने कोई फीस दी ही नहीं है। और सोलाना पे ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कितनी कितनी कम फीस लगती है एनएफटी भी अगर आप मिंट करते हैं तो, और ईज़ ऑफ यूटिलिटी यानी हर कोई उसको आसानी से यूज़ कर पाए और यूटिलाइज कर पाए कि आपको किस टाइम पे एनएफटी मिंट करनी है, और किस किस एनएफटी, कई सारे प्रोजेक्ट इन पे जो है बिल्ड होने वाले हैं, तो ये एक तगड़ा प्लान है इनका, और एनएफटी का बूम चल रहा है इस टाइम पर। और अगर कुछ जो प्रॉब्लम जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे अगर वो इन्होंने अच्छे से सॉल्व कर दी, तो अडॉप्शन कितना ज़्यादा होने वाला है इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी इनके इकोसिस्टम की बात करें तो 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट अभी इनकी ब्लॉकचेन पे बिल्ड हो चुके हैं, उसमें डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस भी हैं, टूल्स भी हैं, वॉलेट्स भी हैं। अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आपको हैरानी होगी जानकर कि आपका मेटामास्क भी एवलेंच पे ही है बिल्ड। वॉलेट अगर यहाँ पर देखोगे, इनका वॉलेट यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा, SXP का भी वॉलेट यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, टूल्स हैं और DeFi हैं, हमारा DeFi के बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी एवलेंच पे है, आवे भी है, और
यहाँ पर आप सिक्योरिटी, इकोसिस्टम, गेमिंग, लॉन्च पैड, एनएफटी, स्टेबल कॉइन, स्टेकिंग, ईल्ड ऑप्टिमाइजर, इन्फॉर्मेशन, मार्केट प्लेस, मीम कॉइन्स, प्राइवेसी प्रोटोकॉल्स, मतलब बहुत सारे अपने इतने आप समझ सकते हो। और इसमें इतने बड़े बड़े नाम हैं जो लोग इनके ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो। और मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम पे भी, जैसे हमने सोलाना में रैली देखी, ऐसी ही रैली अभी हम आधी तो देख चुके हैं, मगर अभी वो रैली ख़त्म नहीं हुई है। वो क्यों नहीं ख़त्म हुई वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और अभी देखो, थोड़े दिन पहले की ही न्यूज़ है 16 तारीख की, कि दो मैं हर वीडियो में अपने बताया हुआ, जिसमें भी एवलेंस का जब चार्ट शेयर करता था उसमें बताया था कि $230 मिलियन पॉलीचेन कैपिटल में इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब कोई प्रोजेक्ट, कोई वीसी या कोई बड़ी कंपनी क्यों इन्वेस्ट कर रही है इस प्रोजेक्ट में, तो $230 मिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो उसका कुछ रीज़न है, क्योंकि फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कॉइन है ये, और इतने इसकी अडॉप्शन चल रही है दबा के। तो कोई अगर 230 मिलियन अगर इन्वेस्ट कर रहा है इसमें, तो हम $230 तो कर ही सकते हैं। अब $230 भी मत कर लेना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब हमको कुछ पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो शुड बी इन एवलांच। तो मेरा ऑलरेडी पोर्टफोलियो है एवलांच में, और मैंने इसकी जो जब हाइप बनना स्टार्ट हो गई थी उसी टाइम पे आप लोगों को कॉल दे दी थी और एग्जिट भी करा दिया था, और दोबारा एंट्री ली थी हमने 60 पे, अभी भी प्रॉफिट में चल रहे हैं, जाकर देख लेना। तो अगर DCA, जो मैंने DCA करने के लिए कहा था लास्ट वीडियो में, तो खैर उसकी बात नहीं करते। तो कोई अगर 230 मिलियन लगा रहा है तो कुछ वजह होगी। और दूसरी बात आ रही है इनकी अपग्रेड्स की, अगले मंथ में इनकी इतनी ज़्यादा अपग्रेड्स आने वाली हैं, और इन्होंने एक इनका जो अब नेक्स्ट अपग्रेड है एप्रिकोट फेज 4, तीनों फेज उनके सक्सेसफुली जो है हो चुके हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं। और इसमें स्केलेबिलिटी और ट्रांजेक्शन फीस को रिड्यूस करने का जो है, ट्रांजेक्शन फीस को बेसिकली रिड्यूस करने का और यूटिलाइजेशन बढ़ाने का जो है अपडेट है मेनली इसमें। और उन्होंने नाम दिया है स्नोमैन प्लस प्लस एंड रिड्यूस सी चेन ट्रांजेक्शन फी। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आने वाले टाइम पे अभी 22nd of September का इन्होंने टाइम दिया हुआ है, और अगर ये सक्सेसफुली तब लॉन्च हो जाता है, और सक्सेसफुली जो है इसको मार्केट में लॉन्च करने के बाद, और प्रोजेक्ट पूरा सक्सेसफुली अपडेट बिल्कुल ठीक चली जाती है, तो हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम पर ये प्रोजेक्ट कुछ नहीं तो अभी $60 के आसपास चल रहा है, मैं मानता हूँ $100 अगर लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आप लोग इसमें अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक इनिशियल अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर वहाँ से ऊपर ही, और मैं मानता हूँ अभी आज के टाइम पर अगर अभी जो आसपास लोग, जो लोग भी इन्वेस्ट करेंगे उसमें दिखेगा कि आप लोग के वहाँ तक प्राइस आएंगे ही नहीं, आप लोग हमेशा ऊपर ही चलोगे। तो अगर आप TSL ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी यूज़ करेंगे अगर ट्रेड लेने के बाद, तो आप उसको जो है अपना प्रॉफिट बुक करिए और बाकी की जो राइड है उसको अपना मज़े से इंजॉय कीजिए। तो ये मेरा मतलब सजेशन रहेगा, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। वरना जो लोग लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए इस कॉइन को तैयार हैं, साल, 2 साल, 3 साल, भाई साहब आप लोगों का डिसीजन सबसे बेस्ट डिसीजन है। और जिन लोगों ने SIP करना इसमें सोच लिया है, उनका तो डिसीजन ही सबसे बेस्ट है। SIP करिए हर मंथ, हर महीने, हर 30% के आसपास, हर 30% 20% जैसे डिप आएगा आप लोगों को बाय करना, एक इस हिसाब से बना लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं इसी स्ट्रैटेजी पे कि आपको किस हिसाब से इन्वेस्ट करना है, उस पर भी वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए वो भी ला दूंगा नीचे, बस कमेंट कर आप लोगों को बताना है। अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड लगे मुझे तो मैं बता दूंगा, वैसे मैं हर वीडियो में शेयर करता ही रहता हूँ कि आप लोगों को किस हिसाब से ट्रेड करनी है, किस हिसाब से SIP करनी है। एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त कॉइन है, और अभी रैली अभी भी दिखाने वाला है हमें थोड़े बहुत दिनों में। और यहाँ पर जो, और अगर आप लोग कॉइन मार्केट कैल पर जाके देखेंगे तो इस महीने इनकी काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। एक एप्रिकॉट ही है इन्होंने 30 सितंबर का दिया है, बट जो इन्होंने शायद जो 22 तारीख को मैं बता रहा हूँ कुछ टेस्ट नेट इनका होगा, अगर वो सक्सेसफुली हो गया तो मेन नेट पे भी अपग्रेड कर देंगे, बट वो देखने वाली बात है कि उससे क्या इफेक्ट आता है हमको। और 22 सितंबर को VNAV लॉन्च ऑन एवलांच, रैप्ड नेव कॉइन है जो इनके एवलांच पे लॉन्च होने वाला है। और धड़ाधड़, मतलब सिर्फ यही नहीं, और अगर आप लोगों को मैंने दिखाया 300 से ज़्यादा इनकी ब्लॉकचेन पे अभी जो है प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुके हैं, और 300 ही और होने वाले हैं मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने अपनी जो अपग्रेड कर रहे हैं और जो मार्केट की जो बर्निंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, वो
ये प्रोजेक्ट करके दिखा रहा है और उसी वजह से इसकी अडॉप्शन चल रही है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं। सबसे बड़ी, अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी, चाहे वीडियो लेंदी हो जाए बट आपको काम की बात बताता हूँ, अगर आप लोगों को दिख रहा है किसी प्रोजेक्ट में बड़े बड़े VCs, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे $230 मिलियन की फंडिंग हुई है, अगर आप लोगों को दिख रहा है इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं किसी कॉइन के साथ और फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसका कोई यूज़ केस भी है, तो भाई साहब आप उसको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर डाल लेना। ज़रूरी नहीं है मेरी वीडियो का ही इंतजार करोगे, आप लोग ट्विटर वगैरह पे एक्टिव रहिए, इनको भी फॉलो कर सकते हैं, इनकी सारी अपडेट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो। और अगर आप लोगों को कुछ फॉलो नहीं करना है, सिर्फ एक ही जगह पे सब कुछ चाहिए, तो मेरे ट्विटर को फॉलो कर लें, मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर लें। ट्विटर पे मैं इतना अब भी जो है एक्टिव नहीं हूँ, बट टेलीग्राम और यूट्यूब पे मैं सुपर एक्टिव हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं सिर्फ क्वेश्चंस वगैरह हैंडल करता हूँ जिन लोगों के सवाल आते हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि क्रिप्टो एक नया वर्ल्ड है सबके लिए और बहुत सारे लोग इसमें डेली इन्वॉल्व हो रहे हैं, डेली लोग चाहते हैं क्योंकि खबर सुनते हैं, अरे भाई उस कॉइन ने 1000x कर दिया, अरे उसने 10,000 कमा लिए, डॉलर्स कमा लिए, वो फ्री में $15,000 का एयर ड्रॉप मिल गया। और एयर ड्रॉप से याद आया कि एवलैंच भी एक एयर ड्रॉप से धड़ा, मतलब बहुत कनेक्शन है एक एयर ड्रॉप के साथ इसका, जो मेटामास्क का अगर एयर ड्रॉप होगा तो एवलैंच का भी कुछ कनेक्शन है, वो किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी उसकी कुछ पक्की खबर नहीं है कि ऐसा होने वाला ही है, अगर होता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि नए नए लोग आ रहे हैं क्योंकि सुनते हैं भाई उन्होंने इतने $1,000 का प्रॉफिट कर लिया, उन्होंने इतने बना लिए, उन्होंने 10 रुपये का चीज़ खरीदी थी वो आज 50,000 रुपये की हो गई या 5,000 रुपये की हो गई या 100 रुपये की हो गई और ऐसे ऐसे पैसे कमा लिए, तो उसी वजह से इसकी हाइप बनी हुई है, लोग नए नए एंटर हो रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा स्कैम होने की भी चांसेस होते हैं। इसीलिए मुझसे जो नए लोग जुड़ते हैं, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि आप लोगों को किसी को पैसे नहीं देने, कोई टेलीग्राम ट्विटर पर कनेक्ट होता है आपके साथ और आपको पागल बनाने की कोशिश करता है तो आप लोगों को उसमें नहीं बनना है। इवन हालांकि मैंने कुछ टाइम पहले जब मैंने अपनी क्रिप्टो की जर्नी स्टार्ट करी थी, अब से 1.5 साल पहले, तो मुझे भी एक न्यूज़ सुनने को मिली थी कि किसी ने बिटकॉइन बोल के किसी को पागल बना के एक सिक्का वो बनवा दिया था और सिक्के पे बिटकॉइन लिख के वो बेच दिए थे, क्योंकि उसको पता ही नहीं था साला बिटकॉइन जो है वो डिजिटल करेंसी है कि सिक्का है। मतलब ऐसे भी स्कैम हुए हैं, आप लोग कैन यू इवन इमेजिन। तो स्कैम्स के चांसेस हैं, आप लोग अवेयर करना मेरा फ़र्ज़ है, और जो नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए केस चैनल को। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है, एवलॉन्च पे नज़र रखिए अपनी, अगर इन्वेस्ट नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पर नज़र बना के रखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी, जिनको इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है इसमें, जो है बस मेरी जो रिसर्च और एनालिसिस आप लोगों को देता हूँ वो आई होप दैट मेक सेंस, जो कुछ भी मैंने अपनी वीडियो में बताया। अच्छी लगी हो वीडियो लाइक कर देना, कॉमेंट कर कर बताना आपके क्या सजेशन है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बस यार लाइक करते रहना, अच्छा लगेगा। गुड बाय।